बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज का व्लॉग करते हैं शुरू। एक मैंने व्लॉग एक घंटे पहले एंड किया है, तो दूसरा आज का व्लॉग शुरू कर लिया। तो अभी हम जा रहे हैं, मुझे सही आइडिया नहीं है, पूछते हैं अहमद से। और मुझे लग रहा है हम अभी जा रहे हैं, गाड़ी नीचे हमारी गाड़ी है ना पार्किंग में खड़ी है, तो उसकी उसको साफ़ करने जा रहे हैं। तो अभी पूछते हैं अहमद से, फिर गाड़ी साफ़ करके आते हैं फुल उसको। मतलब कि उसकी डिग्गी में ना, कि जो उसकी गाड़ियों की होती है ना डिग्गी, अब वो उसके अंदर थोड़ा सा ना कुछ चीज़ें पड़ी हुई हैं ना, तो फिर उनको निकाल के फिर घर ले जाते हैं, गाड़ी की बिल्कुल साफ़ हो जाएगी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। तो अभी फिर अभी गाड़ी साफ कर लिया चले, नहीं डिग्गी डिग्गी गाड़ी चले, गाड़ी भी साफ कर लेते हैं ना फुल। नहीं अगर जाना होगा तो फिर जाना नहीं, जल्दी हो जाएगी खड़ी होके। चलो चलिए यहाँ से अपना व्लॉग स्टार्ट करते हैं। वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। अभी हम लोग लिफ्ट में आ गए, अब चल रहे हैं अपनी पार्किंग में जहाँ पे अपनी गाड़ी पार्क की हुई है ना। तो अभी पार्किंग में जाएंगे, फिर वहाँ से गाड़ी पूरी साफ करेंगे। कौन सा? वो गाड़ी में फिर गाड़ी फुल साफ करेंगे बाहर से भी और अंदर से भी। तो अभी हम पहुँचेंगे, आपको मैं गाड़ी के पास जाकर मिलूंगा। अभी हम गाड़ी पे पास पहुंच आए हैं, तो ये थोड़ा सा अभी गाड़ी में कचरा पड़ा है डिग्गी में, थोड़ी देर बाद देखिए मैं अभी कैसे मैजिक करूंगा। नहीं नहीं मैजिक नहीं, मैजिक नहीं, वो लोग दिखाना है। नहीं नहीं मैजिक करते हैं, मैजिक नहीं करना, मैजिक नहीं सही रहता, वो सही रहेगा, मजा आएगा, मैजिक नहीं करना यार। 1 2 3 गाड़ी की डिग्गी जी मैंने साफ कर ली है। अभी यहाँ पे भी हवा चल रही है इसलिए मैं थोड़ा सा ज्यादा ऊंचा पूछ रहा हूँ। अहमद वो पीछे कचरा फेंक रहे हैं, मैं आपको दिखाता हूँ, बैक कैमरे से दिखाता हूँ आप लोगों को। पहले पहले देखे कितना कचरा, अब बिल्कुल साफ मैंने कर दिए, 10-15 मिनट लगे हैं, अब बिल्कुल साफ कर दिए। उसको जरा रख दो, टेप लगी है ये देख लें। अब ये सारा गाड़ी की चीज़ों का, टायर का सामान होता है, गाड़ी का सारा सामान अब फुल साफ हो गई है। अब चलते हैं घर, चले अब हैं क्रिकेट खेलने चलते हैं। नहीं घर चलते हैं, पहले घर चलते फिर बाद में। नहीं नहीं वो नहीं यार, सच्ची घर चलते हैं अभी। चलो अभी घर जाके मिलते हैं आप लोग। गाड़ी हमने बिल्कुल सही साफ कर दी है, डिग्गी साफ कर दी है आज में, सही मतलब डिग्गी सही साफ करने वाली थी ना, वो साफ हो गया बिल्कुल। तो अब जा रहे हैं हम लोग घर की तरफ, अब घर जाके जो जो होता है वो आप लोगों को दिखाऊंगा। तो फिर क्या करेंगे हम आज, क्या शाम को क्रिकेट खेलने चले जाएंगे? शाम को क्रिकेट खेलने जाएंगे, सही है। तो अब देखते हैं क्या होता है। अभी मैं उस टाइम था 3 बजे का टाइम, तो उसके बाद मैंने दूसरा अपना व्लॉग बनाया मार्केट वाला, वो आप लोग इस व्लॉग से पहले देख लेंगे। तो ये वाला व्लॉग अभी मैं, अभी क्या हो गया टाइम 10:30 का टाइम हो गया अभी रात के, डिनर हमने कर लिया और व्लॉग छोटा बना था। मैंने कहा थोड़ी सी आप लोगों के साथ बात ही कर लेते हैं। अपनी बालकनी में आके मैं बैठ गया हूँ, पहले मैं उस बालकनी में था ना, उस वाली में, अब मैं इस बालकनी में आके बैठ गया हूँ। और अभी मैं आप लोगों को दिखाऊंगा नाइट व्यू, जो हमारे घर से क्या आता है नाइट व्यू, घर का बालकनी से जो नज़र आता है वो मैं अभी आप लोगों को दिखाऊंगा। तो बाकी कल शायद हम लोग एक्सपो 2020 में भी जाएँ, अभी फाइनल नहीं है वो, कल के व्लॉग में आप लोगों को पता लग जाएगा अगर हम जाएंगे एक्सपो 2020। और हाँ तो मैं आप लोगों का ना व्यू दिखाता हूँ बैक कैमरे से। ये है सारा व्यू रात का हमारी बालकनी से, ये देखो कितना प्यारा लग रहा है। कैमरे में आके वो पिक्सल वो सारे सही नहीं, मतलब देखिए कितना प्यारा लग रहा है। ये नीचे पूल है सारा टावर का, वो उसी टावर 1 का पूल है, ये वाला उसी टावर, ये हमारे टावर का पूल है। और वो देखे सूरज को भी, चांद को, रात को सूरज में कह रहा हूँ, चांद को देखें, मैं जूम करता हूँ थोड़ा सा, ये देखें हाफ मून। और ये सारी यहाँ पे जब होती है ना शाम के 6 बजे शाम की जान होती है, उससे पहले ये स्ट्रीट लाइट सारी ऑन हो जाती हैं। और देखे कितनी रोशनी, जिस गाड़ी की लाइट ख़राब हो ना उसको पता नहीं लगता कि मेरी गाड़ी की लाइट ख़राब है या नहीं, इतनी रोशनी है यहाँ पे, बंदा आराम से गाड़ी चला सकता है।
और ये सारा बीच है और वो सारा वहाँ पे सारा व्यू है ऐसे करके। ये हमारी दूसरी बालकनी है जिसे मैं ब्लॉग शुरू करता हूँ अपना, तो ये वाली हमारी वो अलग है और ये वाली अलग है। अब जैसा कि मैंने आप सब लोगों से लोगों को कहा था कि मैं आपको हर ब्लॉग में कोई ना कोई इंटरेस्टिंग बात बताऊंगा, तो अभी दिन के ब्लॉग में बताना मुझे याद नहीं रहा, तो अभी अहमद भी आ गया पीछे, देखिए अहमद भी आ गया साथ पीछे मेरे। दिन के ब्लॉग में बताना मुझे याद नहीं रहा, तो अभी मैं आप लोगों से बताता हूँ, आप लोगों को बताता हूँ। क्या आप लोगों को पता है कि दुनिया की सबसे महंगी करेंसी कौन सी है? मुझे पता है। सबर, क्या आप लोगों को पता है? गेस कर ले आप लोग, मैं कुछ सेकंड देता हूँ आप लोगों को, 5 सेकंड। 1 2 3 4 5। नहीं भूल सके आप लोग। अरे क्या आप तो उन्होंने भूल लिया फिर? तुम्हें पता है क्या दुनिया की सबसे ज्यादा एक्सपेंसिव करेंसी का? अहमद को भी पता, मैं बताता आप लोगों को। आप लोगों को लग रहा है कि डॉलर होगा, डॉलर नहीं है, दिनार है। दिनार दुनिया की सबसे महंगी करेंसी, ये मुझे भी आज ही पता लगा। नहीं मुझे पिछले, मुझे पता था, कोई नहीं पता था, गूगल मुझे पता था, तो मैंने कहा मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूं। तो खैर आज का व्लॉग यहीं पे ख़त्म करते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा है तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं गाइस नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय। अहमद तुमने नहीं व्लॉग बनाना अपना? बना लिया आज का। हाँ इधर देखो, आज का नहीं व्लॉग बनाना? बना लिया है। किस टाइम? चांद था ना, अभी चांद गुम हो गया, नजर ही नहीं आ रहा, बादलों में छुप गया आगे। तो खैर आज का व्लॉग यहीं पे खत्म करते हैं, उम्मीद करता हूँ आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा। अगर लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं गाइस नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, टाटा, सी यू। कल का व्लॉग एक्सपो 2020 के बारे में हो सकता है या नहीं भी हो सकता, ज़्यादा चांस हो सकता है, थोड़ा चांस नहीं हो सकता, अब देखते हैं। बाय बाय, टाटा सी।